नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शाम के 7 बजने को है, ऐसे में बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, अशोक गहलोत के आवास पर बैठक चल रही है। बैठक में गहलोत गुट के विधायक और मंत्री मौजूद हैं। सीएम गहलोत ने मंत्रियों और विधायकों को भरोसा दिया है और कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर इस वक्त सीएम गहलोत के आवास पर यह बैठक जारी है और कहा गया है अशोक गहलोत की तरफ से एक बड़ा आश्वासन कि घबराने की जरूरत नहीं है। अशोक गहलोत के जो गुट के विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो इस वक्त आवास पर मौजूद हैं और गहन चर्चा की जा रही है, मंथन किया जा रहा है। क्योंकि कल जब दिल्ली में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग की थी 10 जनपद पर सोनिया गांधी से, उसके बाद कहा गया था कि इस पूरे मामले में अभी भी सोच विचार किया जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला होगा, लिखित रिपोर्ट के आधार पर ही आगे का फैसला तय किया जाएगा। दीपक चावला इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर की आगे की जानकारी के लिए। दीपक, इस वक्त बैठक जो है गहलोत गुट के विधायक और मंत्रियों के साथ गहलोत आवास पर चल रही है, क्या रणनीति वहां पर बनाई जा रही है, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर के बाहर इस वक्त जो है हलचल बढ़ चुकी है। भंवर सिंह भाटी, साले मोहम्मद, अशोक चांदना, विधायक मीना कुमारी, रफीक खान, मदन प्रजापत, जगदीप जो जहांगीर, कई सारे ऐसे विधायक है, मंत्री है, वो इस वक्त सीएमआर में मौजूद है और आपस में चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा उस वक्त होती है, अब से पहले पिछले 2 दिन में ना तो कोई विधायक मंत्री सीएम से मिला था और कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट दिल्ली जाते हैं तो ऐसे में उनके दिल्ली पहुंचते ही सारे विधायक और मंत्री जो है बिना किसी सवाल का जवाब दिए यहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है सचिन पायलट और दीपक चावला लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हैं जो कि ये जानकारी दे रहे हैं कि गहलोत आवास पर इस वक्त गहन मंथन चल रहा है और दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, वाकई जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक तरफ पायलट का दिल्ली दौरा, वहीं दूसरी तरफ गहलोत गुट जो है वो मंथन करने में लगा हुआ है गहलोत आवास पर, क्या समझे आज जो ये बैठक की जा रही है गहलोत गुट की तरफ से, क्या इस बैठक में ये कि अभी भी ऑप्शन है कि अध्यक्ष पद जो है वो छिनता हुआ नजर आ रहा है अशोक गहलोत से, इसको बचाने के लिए विकल्प क्या हो सकता है, इस पर चर्चा? देखिए बिल्कुल, दोनों तरफ की ये चर्चा हो रही है। पहली चर्चा तो ये है कि जिन बाढ़ विधायकों ने, मंत्रियों ने इस्तीफे की पेशकश की है कि उनको वापस से कैसा लिया जाए और वापस से एक बार फिर से मुख्य धारा में कैसा है, क्योंकि इन दोनों ही सूरत में जो है कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को नुकसान हो रहा है। विधायक, मंत्री, सीएम कामकाज में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो पहली चर्चा ये है कि वापस से मुख्य धारा में कैसे आए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर माने जाते हैं, उनको समझा रहे कि कैसे हम मुख्य धारा में आ सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन अभी ये भी बना है, अभी तो 30 तारीख जो है नामांकन की आखिरी तारीख है, तो संभवतः अभी भी शायद ऑप्शन बचा हुआ है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अपना जो फॉर्म है वो भरे और वो भी ऑप्शन बना हुआ है। तो इन दोनों ही पहलुओं पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है। 2 दिन से पूरा जो घटनाक्रम है वो चल रहा है। अब से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विधायकों से नहीं मिले थे, लेकिन जैसे ही दिल्ली में सचिन पायलट जाते हैं तो ये जो मीटिंग है वो होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी जो सूत्र है वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, जैसे ही कुछ कोई मंत्री जो है बाहर आएगा तो स्पष्ट होगा कि क्या क्या एजेंडा है। दीपक, नजर बनाए रखिएगा, जो भी आगे अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।